सेम सेम टाइम में ऑफ द नॉटर डैम जो है वो है तो थी तो पुरानी जी लेकिन किसी ने सामने लगा दी। अच्छा जी वेलकम बैक, एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त हमारे साथ हम जानते हैं आबिद कश्मीरी साहब हैं और साथ अज़र रंगीला हैं और हम बात कर रहे हैं रंगीला साहब की छठी आज एनिवर्सरी है मगर हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट इसलिए क्योंकि ऐसे लोगों को जब भी याद किया जाता है तो चेहरों पर मुस्कुराहट ही आती है क्योंकि वो हमेशा उनकी कोशिश ये होती है कि वो लोगों के चेहरों पर हंसी और खुशी का बायस बने। अभी जिस वक्त ब्रेक में हम बात कर रहे थे तो दो बड़े मजे के वाकयात मुझे अज़र साहब ने भी सुनाए और आबिद साहब ने भी, वो मैं चाहूंगी कि शेयर करें। एक तो ये कि जो लोगों की मदद करते थे, अच्छा ये जो सेंसिटिव लोग होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, जो लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरते हैं, उनका जो दिल होता है ना वो बड़ा मासूम सा होता है और बड़ा सेंसिटिव होता है। किस तरह से वो अपने बुजुर्गों की इज्जत करते थे और उनकी मदद करते थे ये हम जानेंगे। देखे ना जब रंगीला साहब फिल्म इंडस्ट्री में इंटर हुए तो उस वक्त स्टार थे नज़र साहब, अल्लाह उन्हें बरी की रहमत करे, को अपने अंदाज के एक बड़े ज़बरदस्त कॉमेडियन थे। ठीक है, अब वो सबको मानते थे अपनी अपनी जगह पे, जो जो उनके साथ इज्जत प्यार से पेश आता। तो एक वक्त आया कि बाबा जी स्टार बन गए और नज़र साहब बीमार थे, सही। तो इन्होंने एक फिल्म शुरू की, इनको पता चला कि नज़र साहब ऐसे हैं तो कहने लगे अच्छा ठीक है, किसी को नहीं बता रहे, कहते यार वो मेरी फिल्म में काम कर रहे हैं तो वो उनको शूट करना है घर जाके क्योंकि वो स्टूडियो नहीं आ सकते। राइट, पूरा कैमरा स्टाफ लिया तो उनके घर चले गए। तो जाके उनको कहते कि ये आपका रोल है कुडाकिए का, बस साइकिल पे बैठ के कुछ पासिंगे दे दें। नज़र साहब कहते क्या करूँगा बेटा, ये क्या कर रहे हो, मुझसे काम होगा? नहीं नहीं, तुझे बस दो तीन शॉट दे दियो साइकिल पे बैठ के, बाकी मैं बाद शूटिंग कर लूँगा। वो कह रहे अच्छा चलो तू जिद करना है तो मैं कर, ठीक है। अब उन्होंने बैठ गए हैं, वो शॉट दे रहे हैं, स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन आ जाए, इधरों ले लिया इधरों लेके दो तीन चले घर में बैठे। अच्छा चाय तो पिलाए ना हमें, कहा हाँ बेटा चाय पिलाएंगे, चाय शाय बनी पी भूके। ये है कि आप ये एडवांस रखें, ठीक है, तो बाकी जब शूटिंग होगी फिर साथ साथ मैं इंस्टॉलमेंट आपको देता रहूंगा। ये रखें, क्या बात है। वो चले गए, जब वापस आए तो कैमरा मैन जो था वो खामोश था। जब स्टाफ कैमरा वापस आया, कमरे में बैठे थे जी, कह रंगीला साहब आप कैमरा ले गए हैं, स्टाफ को भी ले गए हैं, शूटिंग भी कर ली, पैसे भी दे दिए, कैमरे में तो रील ही नहीं है। तो कहते हैं कुछ फिल्मा होंदिया ने ओ बगैर रील तो ही बन दिया ने, ओ अल्लाह ही जात ही देख रही होंदी है, वो अल्लाह की रील चल रही होती है, ठीक है। क्या बात तो है? मतलब ये है कि आजकल तो हम दिखावे में करते हैं ना कि किसी को देना है कुछ तो कहीं पंचायत लगा लें, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, तो 2 लाख दे रही है। देने वाली अल्लाह की जात है, मगर ये तरीका आप सोचे कि देखे ना, बहुत कम लोगों को पता है कि वो लोग तो बहुत बातें करते हैं कि ऐसे थे वैसे थे, ये बात नहीं करते जो मैं अब आपको बताने लगा हूँ कि वो खातून बाद में थिएटर पे काम करती रही हैं। उन्होंने बताया कि मैं उनकी एक फिल्म में उनकी बहन का रोल मैंने किया था। राइट, अब वो बहन का रोल उसने किया तो असल फनकार तो उसको उस नज़र से देखता है ना, फिर बिल्कुल सही, मैंने भाईजान कह रही है और मैं बहन कह रही, बिल्कुल सही। तो वो गरीब घर की थी तो उसकी शादी करवा के तो मैं उन्होंने दिल में असल में उसको अपनी बहन माना, वो आई इसलिए थी कि घर गरीब है, किराया नहीं है, तो चलो फिल्म में काम करके कुछ ले जाऊं। तो उन्होंने उसकी शादी करवा के एक छोटा सा मकान उसको दिला के, क्या बात है, तो उसको रुखसत कर दिया कि अब इधर नहीं आना, बिल्कुल खबरदार। क्योंकि ना वो एक सच्चे आदमी थे, पहचान जाते थे, दो तीन आदमी थे जो घर आया करते थे बाबा जी के पास, गाड़ी साफ कर देनी तो वो क्यों करते हो इस तरह, अभी जी एक्टर बनना है, अच्छा ठीक है तो ऑडिशन दो मैनू। ये अभी 2-4 हफ्तों में ही उनको देख लिया कि क्यों आंदे ने मेरे को लेना, मेरे आगे पीछे क्यों फिर देने, वो करना की तुसी और ये सी एक्टर बनना है, अच्छा ठीक है ए करके वो खाओ, पूरा प्रॉपर उनका टेस्ट लिया, ऑडिशन लिया। जब कुछ नहीं हुआ तो कहते हैं मेरी गल सुनो, मैंने कम कुम कराने का कोई शौक नहीं, तुसी अपना राह बदल लो, इस तरह करो, और कम सीख लो, को कारोबार कर लो, मैं तुहाड़ी जो कर सका तुहाड़ी लिए हेल्प मैं करांगा, पर तुसी एक्टर नहीं बन सकते। बिल्कुल सही। अब ये कौन कह रहे हैं रंगीला साहब, क्योंकि वो किसी झूठे बंदे की तारीफ नहीं करते थे। अच्छा चले, हम आपके मुंह से आपकी तारीफ नहीं सुनना चाहते, मगर आपके बारे में वो क्या कहा करते थे? मैं तो ये रिकॉर्ड सच्ची सच्ची आप ये याद रखिए कि वो सच्ची बातें पसंद करते थे। मैं वही बात बता, ये एक रिकॉर्ड की बात है, ठीक है, कि पीटीवी वर्ल्ड पे इस्लामाबाद हमारा इंटरव्यू हुआ, फिर कैसर साहब इंटरव्यू ले रहे, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये मेरा वो नाम है अज़र
कि जो मेरे बाद भी दुनिया में रहे, मुझे इस पे फख्र है कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो यतीम नहीं, मेरा नाम लेने वाला कोई है। अच्छा, उनके बच्चों में कोई, बच्चे माशाल्लाह ठीक है अपनी जगह पे, उन्हें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मकसद कहने का ये कि वो इस फील्ड के अंदर उनके नाम, बस एक छोटा भाई है कामरान, हाँ। वो आता जाता रहता है, अल्लाह उसे कामयाब करे, चूंकि वो नाम है बाबा जी का। बिल्कुल, तो हमारी भी कोशिश होती है। तो ये है कि जो बाकी भाई हैं वो अपनी अपनी जगह पे ठीक है माशाल्लाह, उन्हें किसी चीज़ का फिक्र नहीं। बाबा भाई है सलमान, औरंगजेब जहांजेब, तो वो अब आज बरसी है, वो ख़त्म दिलवाएंगे। बहुत बड़ा, इतना बड़ा होता है स्टूडियो में। अच्छा। कि मेरा ख्याल किसी स्टार की औलाद ने इस तरह का ख़त्म नहीं दिलाया अपने वालिदैन का, ठीक है। तो अपने वालिद साहब का उन्होंने जिस तरह उनका दिल करता है कि उनकी रूह को सवाब हो, वो अमल करते हैं। बाजी फराह ऐसा करती है, आज वो अपना मेडिकल कैंप भी लगा रहे हैं एवरन्यू स्टूडियो में, फ्री कैंप। तो ये है कि मैं तो उनका फैमिली मेंबर हूँ। ये जो मैंने कोई आपकी बात बड़ी हो, ये जो कह रहे हैं अजहर रंगीला साहब, ये सच्ची बात कह रहे हैं, क्योंकि मैंने टेलीविजन पर इंटरव्यू देखा इनका और रंगीला साहब का ना, तो उसमें भी उन्होंने इनको कहा कि ये मेरा हकीकी शागिर्द है, बल्कि ये मेरा बेटा है, तो ये मेरा नाम रोशन करेगा और ये कर रहा है। मेरी दुआ है कि इसकी शक्ल में रंगीला साहब हमें नजर आते हैं और हरकतें जिस तरह से करते हैं, तो और ये गवाही देगा कि मैं स्टेज पे ले अपना करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, तहरीर भी, हदायत भी, प्रोड्यूस भी मैं करता हूँ, तो इसको मैं जरूर फोन करता हूँ। जब फोन करता हूँ ये कहेगा मैं कराची हूँ, मैं मुल्तान हूँ, तो मेरे साथी कहेंगे यार उन्हें तुसी बड़ा फोन कर दे। मेरे लिए देखें जी, मैं, मेरी फीलिंग एक बड़ों के लिए, मेरे लिए ये आज मुनव्वर ज़रीफ़ रंगीला है, ठीक है ना जी। तो ये मेरी बड़ी इज्जत की जगह पे है, मैं इंशाल्लाह आइंदा कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं बड़ों की दुआओं के। चलिए जी, हाथ मिलाएं, नो लड़ाई, ठीक है। और अब अगर आपको इनका फोन आएगा, क्योंकि वो उनके नाम के ऊपर आपको वो जो एक फ्लेवर है वो चाहते हैं, मैं जरूर आऊंगा भाई साहब, मैं जरूर आना प्लीज। अपना साजो सामान पाके आना। हाँ है, साजो सामान, साजो सामान सारे पाके आना, वागा पाके कहने आना, पट्ठे जेब विच पाके आना, ताको तो चाह जो ना मंगना, ठीक है। अच्छा एक बात, बाबा जी को जो है ना गाने का बड़ा शौक, गाने का बिल्कुल। और जो पहला मेरा ख्याल उन्होंने गाना गाया वो गा मेरे मन बा, मगर इससे पहले कि वो रेडियो पे चले जाते थे, जब यहाँ पाकिस्तान में इंडिया की फिल्में लगती थी ना जी, तो आवारा फिल्म लगी हुई थी, उसका गाना था आवारा हूँ, है राज कपूर की, तो गाना बड़ा पसंद था, मुकेश साहब को बड़ा गाते थे। अच्छा। रेडियो पे चले गए रेडियो पाकिस्तान ऑडिशन देने के लिए, मैं गाने के लिए आया हूँ, म्यूजिशियन बैठे हुए थे, हाँ बेटा केड़े सुर तो गाएगा, ओ सुर सुर तो मैंने पता नहीं, जो मैंने आंदा मैं वो गान लगाऊंगा। अच्छा जी चलो गाओ जी, और मुंह से साथ भी बजा लेते थे खुद ही। अच्छा। ये नहीं देखते थे कि मुझे देख रहा है। आवारा हूँ पाम पा पा पम, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, पाम पाम पम आवारा हूँ। म्यूजिशियन कहते हैं और भाई गाना बंद कर जी, तू गला गाना गा, तू मुंह नाल म्यूजिक बजा रहे हैं, म्यूजिक ही बजाएंगा, असि की लैन आए हैं इत्थे, साडा भी कोई काम है। ओ कहने ए ते मैनू पता नहीं तुहाडा की काम है, मैं ते ऐसे तरह ही गाना हूं। हुण कह ऐसे तरह गाना ही ना, फिर घर जाके गा, भेज दिया। फिर एक टाइम आया तो 65 की जंग जब लगी, तो रेडियो पाकिस्तान पे कोई फनकार ठहर ही नहीं रहा था इतना, ठीक है, जो ठहर रहे थे उनमें रंगीला साहब भी थे। अच्छा, कि माइक पे अकेले ही बैठे हैं, जाग उठा है सारा वतन साथियों, अकेले ही कर रहे हैं, अकेले गा रहे हैं, और सारे इधर उधर चले गए तितर बितर हो गए, और वो एक ही बंदा दिखाई जा रहे हैं जी। बहुत कम लोगों को पता है कि जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं, एक्टर बने हैं, तो वो ना पहले बॉडी बिल्डिंग किया करते थे। हाँ, बिल्कुल, बहुत शौक था उन्हें बॉडी, बड़ा सख्त, पेंटर भी थे, बिल्बोर्ड्स पेंट किया करते थे। वो भी मैं बताता हूँ आपको, वो मुकाबला हुआ कैपिटल सिनेमा में होता था मिस्टर लाहौर का, तो उसमें भी हिस्सा लेने चले जाते थे, उसमें हिस्सा लिया उन्होंने, तो वो जो हरकतें कर रहे थे ना, उसी से किसी प्रोड्यूसर ने कहा यार इन्हें तो एक्टर पाओ। अच्छा। और जब उन्होंने अंग बनाया ना ये करके, हाँ ये वाली चीज, तो उन्होंने कहा है कि वो जो बॉडी बिल्डर है, असलम रानी साहब थे या कोई समथिंग, तो फिल्म थी उन्होंने उसमें डाला गया या कर दिया, मतलब वो साथ साथ बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे और वहाँ पे लोग हंस रहे थे। और दूसरी बात ये कि जितने फिल्मों के बोर्ड दीवारें लिखी होती थी पहले,
जब ये काम नहीं करते थे इनके हाथ की क्या बात है क्या, तो वो इंस्पिरेशन वहीं से थी कि वांटेड टू कम टू दिस इंडस्ट्री, मेरा अपना भी नाम नीचे लिख देते थे, आज भी ब्रांसर रोड पे उनके हाथ के लिखे बड़ी गाली है, कंधा लिखते सन तो थले वो अपना भी नाम सही था, बस फिल्म क्या पता उस नाम को लिखने नहीं उन्होंने उनको स्टार बना दिया, वो कहते थे कि जब बंदा इरादा करता ना कि मैंने ये बनना है मैंने ये करना है तो अल्लाह बना देते, दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब आप सोच लें कि आपको क्या करना है तो अल्लाह की जात उसमें बहुत आसानियां पैदा करती है, बातें बहुत सी, टाइम हमेशा कम होता है आप लोगों का, सानू ते ब्रेक ही खा गई जीटी रोड ते ब्रेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का, वो जो एक खूबसूरत सा गाना वो गाया करते थे गा मेरे मनवा, आपने एक ट्रैक बनाया और हम चाहेंगे कि अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम हम उसी खूबसूरत गाने से करें, माइक आप ऑन कर लीजिए क्योंकि इसी के ऊपर हम ये एक उनकी एक खूबसूरत याद है, मैं वो एक मोहब्बत को निभाने चाह रहा हूँ राइट, तो ये आइंदा भी मैं चाहूँगा कि मैं इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस मोहब्बत में ही रहूँ, बड़ों के अदब में ही रहूँ, जैसे ये मेरे बड़े हैं, बाकी मेरे सीनियर, मेरी ज़िंदगी में बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे सीनियर का, उन्होंने मेरी बड़ी इज्जत मेरा बड़ा मान रखा है, जैसे उमर शरीफ साहब हैं ये बड़े हैं, आबिद कश्मीरी साहब, सोहेल भाई हैं, इरफान खुसट साहब, तो ये तो मेरे वो बड़े हैं जिनको मैं देख के हूँ, जिनकी दुआओं से हूँ, और सबसे बड़ी बात मेरे बाबा जी की दुआएं हैं, मेरी माँ की दुआएं हैं, तो इंशाल्लाह मैं कभी नहीं हारने वाला नहीं। तो रहे दुनिया, बाबा जी कहा करते थे बंदा रहे ना रहे उसकी बात अच्छी रह जाए, बात अच्छी रह जाए, उसका नाम रह जाए, उसका अमल रह जाए, प्लीज हम चाहेंगे कि आज के इस प्रोग्राम का आगाज उनकी याद में उन्हीं के गाए हुए खूबसूरत गाने से, म्यूजिक ऑन। गा मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हमको दूर, अरे गा मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हमको दूर, अरे ठुमक ठुमक नहीं चल रे बयलवा, अरे ठुमक ठुमक नहीं चल रे बयलवा, अपनी डगरिया है दूर, अपनी डगरिया है दूर, अरे गा मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हमका दूर, दुख सुख साथी है जीवन के ना घबराओ प्यारे, ओ सुख दुख साथी है जीवन के ना घबराओ प्यारे, आज नहीं तो कल जागेंगे, आज नहीं तो कल जागेंगे, सोए भाग हमारे हो, सोए भाग हमारे, मालिक पे तू छोड़ दे डोरी, जो उसको मंजूर, जो उसको मंजूर, अरे गा मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हमका दूर।